फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएस के नॉर्मल क्लेचर। तो आईपीएस नॉर्मल क्लेचर जानना है हमको, तो हम लोग लिख लेते हैं आईपीएस नॉर्मल क्लेचर। कैसे जानेंगे, कैसे आसान तरीके से शुरू करेंगे नॉर्मल क्लेचर, तो आज हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्लेचर कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, आर प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस पी वन प्लस पी टू, जिसमें आर की बात करते हो। आर क्या है? आर को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? कि टोटल नंबर ऑफ काउंटेबल कार्बन प्रेजेंट इन एनी कार्बन चेन। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ काउंटेबल कार्बन प्रेजेंट इन एनी कार्बन चेन इज नोन एज रूट वर्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? रूट वर्ड बोलेंगे। इस रूट वर्ड को देखेंगे क्या क्या है। अगर कार्बन एक अवेलेबल है तो उसके लिए क्या बोलते हो? मेथ कहते हैं। अगर कार्बन दो अवेलेबल है तो उसके लिए एथ कहिएगा। तीन कार्बन अवेलेबल है तो उसके लिए प्रोप होंगे। चार कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, लिखते तो बट है पर पढ़ते ब्यूट है। फिर पांच कार्बन, पांच के लिए पेंट। छह कार्बन, इसके लिए आप हेक्स लिखोगे। सेवन कार्बन, इसके लिए हेप्ट लिखेंगे आप। एट कार्बन, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑक्ट। नाइन कार्बन, जिसके लिए लिखेंगे नॉन। और टेन कार्बन, जिसके लिए लिखते हैं हम लोग डेक। ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारे क्या थे? रूट वर्ड के बारे में। सबसे उसके बाद आता दूसरे नंबर पे एस वन। एस वन का मतलब होता है सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स मीन्स क्या होता है? रूट वर्ड के बाद लगने वाला। क्या है भाई सफिक्स फर्स्ट? तो जानेंगे कि नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन इन एनी कार्बन चेन। मतलब समझेंगे इसको, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो उसके लिए सफिक्स फर्स्ट क्या लिखते हैं? एन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उसके लिए सफिक्स क्या लिखेंगे आप लोग? एन। और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? आयन। तो ध्यान से देखेंगे पहले इन दो के बेसिस पे, यानी आर और एस वन के बेसिस पे नॉर्मल क्लेचर करेंगे सबसे पहले। इसको हम लाइन बना दें मिक्स नाउ, तो वहां एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा थोड़ी छोटी छोटी बातों को, जैसे तीन और एक चार, हमेशा याद रखिए कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, चार हो जाए। बॉन्ड भी आपके काउंटेबल होते हैं, तीन और एक चार, मतलब सही है। टोटल कार्बन कितने चेन में? दो है। दो के लिए रूट वर्ड क्या लिखिएगा हम लोग? एथ। यहाँ क्या लिखेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है, एन अलग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा कि CH3 CH2 CH3, इसमें टोटल कार्बन काउंट करें हम, एक दो तीन, तीन कार्बन काउंट करने का है। तीन के लिए आप क्या रखोगे? प्रोब। क्या लिखेंगे? प्रोब। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा लो। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 CH2 CH3, नाम क्या होगा? एक दो तीन, तीन के लिए प्रोब। सॉरी फिर से रिपीट हो रहा है, एक कार्बन और बढ़ा के देखते हैं, CH3, ये फोर। तो सॉरी चार कार्बन होगा तो चार के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट। तो यहां लिख दीजिएगा ब्यूट और ए एन हो गया। इसी तरह से एक कार्बन होगा उसके साथ चार हाइड्रोजन लिख दीजिएगा, टेट्रावेलेंट है भाई, तो चार एक कार्बन होना है टोटल, तो एक के लिए क्या लिखोगे? मेथ। इसके साथ और कोई लगा नहीं, और कार्बन का हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, यहाँ पे नॉर्मली आप क्या लिख दोगे? मेथेन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल ये है कि CH3 CH2 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 CH3, टोटल कितने कार्बन हो? एक दो तीन चार पांच, पांच के लिए
पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ए पेंटेन हो गया। अब डबल बॉन्ड वाले को ले लेते हैं, किसको लीजिएगा डबल बॉन्ड, जिससे कि सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। ध्यान दीजिएगा जब मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड आपका पहले पड़े, तो एक दो मतलब आपकी मर्जी, इधर से करोगे भी तो भी वही इतना आएगा, इधर से भी करेंगे तो उतना ही आएगा, तो एक दो तीन चार हम ऐसे कर लेते हैं। तो देखिएगा चार कार्बन के लिए क्या लिखोगे, बोले थे ना बट लिखेंगे पर पढ़ेंगे क्या, ब्यूट ब्यूट ए नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अलग से दिख रहा है भाई दो नंबर पे, तो दो नंबर पे क्या अलग से दिख रहा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ईन। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लीजिए कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, जब इसको ले लिया तो इधर से ध्यान से देखिएगा कि एक दो तीन चार, क्योंकि नंबर इधर से होगी क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है नंबरिंग करने पे, तो चार के लिए हम क्या लिखेंगे ब्यूट, और एक नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है तो वन और ईन लिख दीजिए, बाकी तो सिंगल है। एक और तरीका बताना था हमें, एक चीज और भी देखोगे आप कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ये जो नंबर है वो पहले भी लिखा जा सकता है, टू ब्यूटीन भी लिख सकते हैं आप इसको, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वन ब्यूटीन, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री। अब इधर देखिए एक दो तीन एक दो तीन, आपकी मत हम इधर से लेते हैं आपकी एक दो तीन चार पांच छह, छह कार्बन की गिनती हुई सिक्स, तो सिक्स कार्बन के लिए क्या आपके पास हेक्स, रुको हेक्स। अब देखोगे थ्री नंबर पे आ रहे हैं डबल बॉन्ड, थ्री ईन कर लो, या फिर क्या लिखोगे आप थ्री हेक्सीन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर सवाल आता है कि अरे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक की जगह दो दो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी चीज सेम दो चीजें हो, मतलब कोई भी चीज दो बार आ रहा है, कोई भी चीज तीन बार आ रहा है, कोई भी चीज चार बार आ रहा है, तो दो बार आए तो उसके लिए डाई लगा दीजिएगा, तीन बार आए तो ट्राई, चार आएगा तो फोर टाइम आएगा तो टेट्रा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, एक दो एक दो, जिधर से मन के उधर से गिनती के लिए बात वही होनी है, एक दो तीन चार पांच छह। अब छह के लिए क्या करोगे हेक्स, अब देखिएगा दो नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ये क्या चार पे भी आ रहा है फोर पे भी लिख लो, डबल बॉन्ड दो जगह है इसलिए डाई लगाओगे, क्या दो बार आए भाई डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी लिखा लिख तो ईन, ये क्या बन गया डाइन, हेक्स टू फोर डाइन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जब मल्टीपल बॉन्ड दो या दो से अधिक बार है तो रूट वर्ड के साथ एक सफिक्स ए ऐड कर लेते हैं, हेक्सा टू फोर डाई ईन लिखते हैं। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, लेटर और नंबर के बीच में हमेशा क्या लगाते हैं हाइफन लगाते हैं, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगाया, बट दो अल्टरनेट भी ली नंबर अगर आते हैं तो उसके बीच में कॉमा लगा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है बारीकियों को, क्या हो गया हेक्सा टू फोर डाई ईन हो गया। एक आध एग्जाम्पल और ले लें, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब यहां ध्यान दीजिएगा नंबरिंग किधर से करनी पड़ेगी, राइट साइड से, तो एक दो तीन चार पांच छह, क्यों, क्योंकि इधर एक ही नंबर पे स्टार्ट हो गया, यहां दो नंबर पे मिलते हैं तो नंबरिंग वाली क्या रखेंगे प्रायोरिटी में रखेंगे, तो नाम क्या होगा फिर से छह के लिए हेक्स, और क्या देखेंगे एक पे डबल बॉन्ड आ रहा है और फोर पे, तो फोर डाई ईन कर दिया, तो ये हो गया हेक्स वन फोर डाई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, तो हम आगे कुछ एग्जांपल्स के लिए इस बोर्ड को साफ करेंगे, ठीक।
अगर क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो मतलब आर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसे नॉर्मल क्रिएशन करेंगे उसका, तो उसका भी देखेंगे हम। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखो आप एक दो मतलब इधर से भी जाओगे तो उधर से भी आओगे तो मल्टीपल बॉन्ड उतने नंबर पे आने हैं, जितना इधर से आएगा उतना इधर से भी आएगा, इसलिए इधर से भी करना मदर्स करते हैं 1 2 3 4। तो चार आगे इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, चार के लिए ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे हाइफन लगाइएगा ब्यूट, अब क्या लिखोगे आप, टू नंबर पे आ रहे हैं ना, टू पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, क्या नाम हो गया ब्यूट टू आयन या फिर टू ब्यूट आयन, ये नाम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह सवाल देख लेंगे CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया नॉर्मल भाई। देखो नंबरिंग तो देरी से करोगे क्योंकि इधर से पहले आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, पांच के लिए पेंट, पांच के लिए पेंट, और एक नंबर पे ये आपके क्या आ रहे हैं, सॉरी एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो आइन, तो क्या हो गया पेंट वन आइन, या फिर इसको क्या लिखोगे वन पेंट आइन, क्या होगा वन पेंट आइन, ठीक है। ये तो हम नॉर्मली उसी तरह कैसे करेंगे जैसे डबल बॉन्ड वाले कर रहे थे। एक आधा क्वेश्चन और कर ले हम लोग कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर ये ना हो देते मतलब ऐसे क्वेश्चन देते तो क्या होगा, तो 1 2 1 2 नंबर एक आप इधर से भी कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या हो गया हेक्स कर लीजिए, दो नंबर पे और चार नंबर पे दो जगह ट्रिपल बॉन्ड आए तो डाई आइन करोगे यार, क्या होगा H2 4 डाई आइन, ठीक है। या इसे हम लोग बोलते हैं ना हेक्स, यहाँ पे ए लगा लो क्योंकि आपके ट्रिपल बॉन्ड दो बार है, सर 2 4 डाई आइन, ठीक है। बट एक सवाल आ जाए मन में क्या मतलब कॉपी पे आ जाए यार, डबल और ट्रिपल होंगे तो किसको प्रायोरिटी दो गया, तो सवाल फंस जाता है यहाँ पे कि क्या किसको दोगे, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, #note लिख लीजिए।